देखो पढ़ना है मंचन, ठीक है। और मंचन जी का एक यहाँ पे है कि हिंदी में पार्ट नंबर दो वो लिखे हैं प्रेम, ठीक है। इसमें प्रेम है तो प्रेम पे उन्होंने कविता लिखी है उनकी। देखिए यहाँ पे कह रहा है, प्रेम अमेलिक नव संसारा, जे ही जी अम प्रेम सो धनी अवतारा, प्रेम लागी संसार उपावा, प्रेम गहाविधि प्रकट आवा, प्रेम ज्योति सम समिष्ट औजारा, दो सर ना पाओ प्रेम कर जोरा, बिरले कोई जाके सिर भार भागो, सो पावे यह प्रेम सुहागो, सबद उच्च चाहूं जुग बाजा, प्रेम पथ प्रेम पथ सिर दे ही सो राजा, प्रेम हाट पहुंची देसी है पसारी, गए बनियारो ले लाह लो फल गाहक, जनी ढहकावे कोई। कहने का मतलब है कि कवि कहते हैं, कवि मंजन कहते हैं कि प्रेम अमोलिक नग संसारा, जे ही जी अम सो धनी अवतारा। कहने का मतलब है कवि मंजन के अनुसार कहते हैं कि प्रेम का जो है संसार में अंगूठी की नगीना के समान है। किसके समान है? अंगूठी के नगीना के समान है, ठीक है। प्रेम एक जैसे अंगूठी होता है ना, उसमें नगीना के समान अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। जे ही जी अम प्रेम सो धनी अवतारा, और जो अपने जीवन काल में प्रेम को प्राप्त कर लेता है उसका जिंदगी क्या हो जाता है? धन हो जाता है। क्या लेट से आता है, बैठो। प्रेम जो होता है, प्रेम जे ही जी अम सो धनी अवतारा, अर्थात जो प्रेम को पा लेता है उसका जीवन क्या हो जाता है? धन हो जाता है। प्रेम लागी संसार उपावा, प्रेम कहा विधि प्रकट आवा। कह रहा है कि प्रेम लागी संसार उपावा, प्रेम को पाने से इंसान, प्रेम को पाने से सारा संसार क्या हो जाता है? खुशी से मंगलमय हो जाता है, ठीक है। प्रेम कहा विधि प्रकट आवा, और प्रेम एक आत्मा में बस जाने वाली चीज है, ठीक है। प्रेम जो ज्योति समशिष्ट औजारा, दोसर ना पावे प्रेम कर जोरा। प्रेम एक ऐसी वस्तु है, कह रहा है प्रेम ज्योति समशिष्ट औजारा, मतलब कह रहा है कि प्रेम जो कर लेता है वो सब कुछ अपना निछावर कर देता है। प्रेम जो भी कर लेता है, चाहे वो प्रभु से करे, श्री भगवान से करे, या किसी लौकिक प्रेम हो, है कि नहीं। अगर लौकिक प्रेम ही है तो वह प्रेम क्या होता है? जैसे भगवान से प्रेम करने के बाद सूरदास, है कि नहीं, सूरदास मीरा श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति प्रेम में पागल, है कि नहीं। उस तरह से प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो प्रेम ज्योति समशिष्ट औजारा, यानी कि जो इंसान प्रेम कर लेता है वह राजमहल के सुख सुविधा को नहीं जानता है, उसको कुटिया ही अच्छा लगता है कि ना। दुनिया का कितना भी उसको 12 विजन 36 प्रकार दे दो उसको अच्छा नहीं लगता, है कि ना। जो प्रेम से उसको मिल जाए वही उसको अच्छा लगता है, और वही उसके लिए क्या है? मूल्यवान है। दो सर ना पावे प्रेम कर जोरा। कहने का मतलब जो एक बार प्रेम में मग्न हो जाता है उसको दूसरा कोई पसंद नहीं आता है। अर्थात अगर आप शिव से प्रेम करते हैं तो आपको शिव ही पसंद है, अगर आप भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं तो आपको भगवान कृष्ण ही प्रेम पसंद है। अगर लैला मजनू जैसे है, लैला मजनू तो लैला मजनू ही एक दूसरे से प्रेम करेंगे, है कि नहीं, कहीं और नहीं जाएंगे। आज के प्रेम जो है व्हाट्सएप और फेसबुक वाला नहीं है, है कि ना। ये जो कहा होता है, आया आज ये ब्लॉक किया तो हाउ अनलॉक हो गया, आई अनलॉक हुआ तो हाउ ब्लॉक हो गया, है कि ना। आज का प्रेम है कि ना, एगो आवता तो एगो जाता, बुझाता बस स्टैंड है ट्रेन के, एगो आ रहा है तो दूसरा जा रहा है। पहले का प्रेम ऐसा नहीं हुआ करता था, जब इंसान एक से कर लेता था, चाहे वो प्रभु भगवान क्यों नहीं हो, चाहे कोई इंसान ही क्यों नहीं हो, या फिर कोई जानवर ही क्यों नहीं हो, अगर प्रेम है तो है कि ना, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। आज के ही नहीं है, आज के एगो ऑनलाइन को तो दूसरा ब्लॉक कर दिया, है कि नहीं। आज का ही चल रहा है, फेसबुक से प्रेम हो रहा है,
व्हाट्सएप से प्रेम हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि दोसर ना पावे प्रेम कर जो राय, यानी कि जो एक बार प्रेम कर लेता है उसको दूसरा कोई पसंद नहीं आता है, ठीक है। बिरले कोई जाके सिर भागू, है कि ना, बिरले जाके सिर कोई भागू, सो पावे प्रेम सोहागू। कहने का मतलब होता है कि बिरले बिरले कोई होता है जो प्रेम के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देता है। आजकल तो प्रेम स्वार्थ से किया जा रहा है, धन से किया जा रहा है, रूप से किया जा रहा है कि ना। पहले आज आज का प्रेम प्रेम नहीं है, हवस है, हवस। भगवान को भी हम अगर पूज रहे हैं ना, अगर हम भगवान को भी पूज रहे हैं ना, तो मन में लालच है कि धन दो, बेटा दो, निमन दुल्हा दो, है कि ना। तब पूजा कर माना तो अगला बार ना करम। हम कभी गौरी माई को पूजने जाते हैं, कभी भोले बाबा के पूजने जाते हैं, कभी बासुकीनाथ को जाते हैं, आ कभी उत्तराखंड चल जाते हैं हिमालय में पूजा करने। अरे भगवान तो ये तो हूँ है, वह भगवान है। अगर तू सही मन से भगवान से प्रेम करेगा तो दूसरा जगह जाने की जरूरत है जरूरत। लेकिन हम जाते काहे ला है कि वहाँ के भगवान को ही ज्यादा काम करी हम, ये भगवान तो कम काम कर दे तो उदाय भगवान कहीं ज्यादा काम करी है। ऐसे कौन बात है का हो, सब भगवान एक एक टावर है कि ना, सब भगवान एक एक नेटवर्क है। तो सही मन से याद करो, भगवान तुमको जरूर पूरा करेंगे, ठीक है, भगवान तुमको जरूर पूरा करेंगे। लेकिन तू तो 10 को नेटवर्क फैले ले है, वही भगवान काम न करो तो हो भगवान लग चल। काली महीना को तो वैष्णो माई लग जो, दुर्गा माई करिए तो काम, एक भगवान तो है ना, नहीं है तुम्हारा, है कि ना। तो प्रेम भी उसी तरह से है, ही ना पटल भाई नहीं मारिए उसको, रहने दीजिए इसी में। बहुत अच्छा है, सुन रहा सब कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जैसे इंसान को क्या होता है कि एक ऊपर तो वो केंद्रित है नहीं। आज लगले दिल टूटेगा तो लगले बार का बड़का स्टेटस लगा देगा लड़का से, है कि नहीं। बाबर का दिल टूटल बा, ससुर तोर दिल टूटल बा, अरे वो नंबर बोला पहले बा, वो दूसरा लगाओ नंबर जो तू निकले बारे, है कि नहीं। तो कह रहा है बिरले कोई जाके सिर भागो, यानी कि कोई बिरले ऐसा इंसान मिलता है जो एक पर केंद्रित हो जाता है। पो पावे प्रेम सुहागो, और वैसे प्रेम मिलने से इंसान क्या हो जाता है, भगवान धनवान हो जाता है। वैसे नसीब वालों को मिलता है, जैसे मीरा श्री कृष्ण के भक्ति से रसखान भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करके पूरे दुनिया में अमर हो गए, ठीक है। लैला मजनू से प्रेम करके अमर हो गए, हीर रोमियो से हीर रांझा है कि नहीं। ये लोग रोमियो जूलियट है, ये लोग प्रेम करके अमर हो गए कि नहीं हो गए। हमने के प्रेम करके पंचायत बैठ जाता है कि ना, है कि ना। देखिए शब्द ऊंच जाहु बुझ बाजा, प्रेम पथ से दे ही सो सिर राजा। कहने का मतलब कहता है शब्द ऊंच चाहू जुग बाजा, यानी कि प्रेम के लिए सारा जुग बाजाने वाला ही इंसान सच्चा प्रेमी है। मीरा जब श्री कृष्ण के भक्ति प्रेम में पाया थी, भक्ति थी, तो उनको घर से निकाल दिया गया। तो वो कहती है कि मुझे निकाल दो, लेकिन मैं कृष्ण का भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे घर से क्या, मुझे पूरी जिंदगी से निकाल दो, तभी मैं कृष्ण के भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा, है कि नहीं। लैला मजनू कहा कि मुझे मार दो, लेकिन मुझे वहीं पहुंचा दो, जान से मार देना लेकिन उसी के पास मार देना, तब उन लोग अमर हो गया। आज के देखो प्रेम पथ दे ही सो सिर सो राजा, और प्रेम पथ पे जो जान अपनी ईमान, ठीक है, देने वाले इंसान जग में क्या है, राजा के समान है। क्या है, राजा के समान है बाबू। प्रेम पथ सिर दे ही सो राजा, कहने का मतलब है जो प्रेम पथ पे जो अपना सिर देता है, जान निछावर करता है, वह राजा से समान, राजा से कम नहीं है। समझ में आया, तो ये रहा, ठीक है। प्रेम हाट पहुंची दीसी पसारी, गए बनी जो ले लोई,
लाह लो औ फल गा गाहक जानी ढकावे कोई। कहता कि प्रेम प्रेम जो है हाट पहुंचे देसी पसारी, ठीक है। प्रेम क्या होता है, बाजार तक फैल चुका है। प्रेम कहाँ तक पहुंच गया है, बाजार तक फैल चुका है। गए वाणिज्य ले जोई, और इसका इसका क्या हो गया है, व्यापार हो गया है। क्या हो गया है, व्यापार हो गया है। कहने का मतलब कि प्रेम को हाट तक पहुंचाया किसने और उसको व्यापारिक रूप से दिया किसने, तो कह रहा है कि प्रेम हाट दीसी पसारी गए वाणिज्य ले जोई ले लोई। कहने का मतलब हुआ कि प्रेम हाट बाजार तक पहुंच जाता है कि ना, और उसको ले ले जाकर व्यापारी के तरह तोलना होता है। लेकिन प्रेम क्या होता है, प्रेम ना हाट, प्रेम ना बिके हाट बाजार। कहने का मतलब होता है प्रेम बाजार में नहीं मिलता है, मिलता है का 5 किलो मिलता है का, 5 किलो पनीर लेब आ प्रेम के सब्जी बनेब, ऐसा है का, नहीं होता है। ला लाओ गाहक जानी ढकावे कोई। कहने का मतलब ये जो प्रेम में है, जो प्रेम को प्राप्त कर लिया है, उसको कोई भ्रमित तो नहीं करना चाहिए, उसको ढकाना नहीं चाहिए, उसको तड़पाना नहीं चाहिए। समझ में आया। कवि का कहना है कि जिसको प्रेम प्राप्त हो चुका है उसको भ्रमित मत करिए, दिग्भ्रमित मत करिए कि हे भगवान नीमन ना बा, हो भगवान के पूछ। जिसको रसखान कहते हैं, चाहे आपके कवि रैदास कहते हैं, रैदास कहते हैं ना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है कि ना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग के बास समानी ना, आ प्रभु जी तुम मोती तो हम धागा आ जसई सोना मिलत सुहागा। कहने का मतलब हुआ कि भगवान का भक्त होना जरूरी है कि ना, पखंड जरूरत नहीं है। और भगवान तो रवि रास कहते हैं कि मतलब ना जानू मैं पूजा तेरी, ना जानू मैं पूजा तेरी, कह कौन दास हो, दासा होगी मेरी, है कि नहीं। यानी कि भगवान रास कहते हैं कि मैं बस तुम्हारा पूजा करना जानता हूँ, बस तुम्हें कैसे पूजा जाता है ये मैं नहीं जानता हूँ, बस तुम्हें मैं पूजना जानता हूँ, अब मेरी कौन दासा होगा भगवान जाने। तो आज वो अमर हो गए कि नहीं, रास हो गए कि नहीं, पूरी लोग दुनिया जान रहा है कि नहीं जान रहा है। आ हमने 10 को फूले चढ़ा लीले सर, 2 बजे भोरे में रात में उठ के फूल तोड़ते हैं सर, चुराते हैं फूल भगवान के मिलल, ये सब पखंड है, कहीं नहीं होने वाला, पूरा होने वाला चीज है। तो ला लो फल जा गाहक जानी ढकावे कोई। कहने का मतलब जो फल प्रेम का फल जो प्राप्त कर लिया है उसको कोई किसी को ढहकाना नहीं चाहिए, बहकाना नहीं चाहिए, उसको दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए, ठीक है, ठीक है।